आज हम गैस इंसुलेटेड ट्रांसमिशन लाइन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा आपको। तो गैस इंसुलेटेड ट्रांसमिशन लाइन को हम शॉर्ट फॉर्म में GIL भी लिख सकते हैं। ओके, तो आज के टॉपिक में हम क्या देखेंगे गैस इंसुलेटेड ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, कि कब इन्वेंट हुआ, फिर उसके अंदर क्या होता है, फिर उसके बाद में उसका बेसिक लेआउट, मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, फिर इंस्टॉलेशन किस टाइप के रहते हैं, तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आज डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो गैस इंसुलेटेड लाइन है ये कब इन्वेंट हुआ था। इन्वेंटेड इन 1965 बाय मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये कब इन्वेंट हुआ था, 1965 के अंदर। तो ये जो GIL है, गैस इंसुलेटेड ट्रांसमिशन लाइन, इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर एक होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर। तो इसके आसपास जो है, इसके सराउंडिंग में ये मिक्सचर होता है N2 एंड SF6 गैस का। ओके, ये दोनों का मिक्सचर होता है N2 और SF6 का। ओके, तो गैस इंसुलेटेड ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या होता है, एक एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है और उसके आसपास में क्या होता है, नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन एंड डाइनाइट्रोजन एंड SF6 गैस होता है। ओके, तो ये जो GIL है इसको हम बिलो द ग्राउंड भी इंस्टॉल कर सकते हैं एंड अबाउट द ग्राउंड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला क्या है, इट इज़ इन्वेंटेड इन 1965, उसके बाद में इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर और जिसके सराउंडिंग्स में, मींस जैसे कि यहाँ पे कंडक्टर है एल्यूमिनियम कंडक्टर, तो इसके आसपास में क्या होगा, नाइट्रोजन एंड SF6, N2 एंड SF6 गैस होगा। और इसको कहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, बिलो द ग्राउंड एंड अबव द ग्राउंड भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में इसका बेसिक लेआउट कैसा होता है, बेसिक लेआउट। ओके, तो इसका बेसिक लेआउट मैं आपको एक डायग्राम में बताना चाहता हूँ कि ये इसका बेसिक लेआउट है। देखो यहाँ पे देख सकते हो एल्यूमिनियम बिलोज है, उसके बाद में ये जो है पोस्ट टाइप इंसुलेटर है, उसके बाद में ये प्लग इन कॉन्टैक्ट है, उसके बाद में इसके आसपास में जो है वो क्या होगा, SF6 गैस, और ये जो है जो बीच वाली जो आप लाइन देख रहे हो ये क्या है, कंडक्टर है और ये शीट है। ओके, तो ये इसका बेसिक लेआउट है GIL का। ओके, उसके बाद में उसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसके कौन से मेन कंपोनेंट है। मेन कंपोनेंट ऑफ GIL, ओके, तो मेन कंपोनेंट उसके कौन से हैं, मैं आपको एक डायग्राम में बताऊंगा आपको। तो ये उसका मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये उसका मेन कंपोनेंट्स है, कौन से है, एक तो कंडक्टर एंड एंक्लोजर है, कंडक्टर, उसके बाद में ये जो एंक्लोजर है ये है, उसके बाद में पोस्ट इंसुलेटर है, उसके बाद में पार्टिकल ट्रैप्स, ये जो है जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे दिखाई ये क्या है, पार्टिकल ट्रैप्स, और तीसरा क्या है, इंसुलेटिंग
गैस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या है, कंडक्टर एंड एनक्लोजर्स, ओके। उसके बाद में सेकंड क्या है, पोस्ट इंसुलेटर। तीसरा है पार्टिकल ट्रैप्स। एंड लास्ट वन इज इंसुलेटिंग गैस, ओके। तो ये जो आउटर हाउसिंग है, ये जो आउटर पार्ट है, ये किससे बना हुआ रहेगा, एल्यूमिनियम कोटेड, ओके, एल्यूमिनियम कोटेड से बना हुआ रहेगा। ये जो है एल्यूमिनियम कंडक्टर है। उसके बाद में ये जो है, ये पोस्ट इंसुलेटर है, और यहाँ पे जो होगा इसके आसपास में इंसुलेटिंग गैस होगा, ओके। तो ये उसका होगा मेन कंपोनेंट्स। अब इंस्टॉलेशन, कितने टाइप के इंस्टॉलेशन कर सकते हैं हम GIL के अंदर। तो सबसे पहला है अबाव ग्राउंड, ओके। पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि अबाव या फिर बिलो द ग्राउंड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अबाव ग्राउंड इंस्टॉलेशन। सेकंड, टनल इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। तीसरा, वर्टिकल इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज डायरेक्ट बरी, डायरेक्ट बरियल इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। तो चार टाइप के इंस्टॉलेशन है, पहला कौन से, अबाव ग्राउंड, सेकेंड वन टनल इंस्टॉलेशन, थर्ड वन इज वर्टिकल, एंड फोर्थ वन इज डायरेक्ट बरियल इंस्टॉलेशन। उसके बाद में उसके क्या क्या एडवांटेज है GIL के अंदर, अब एडवांटेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ GIL। तो सबसे पहला एडवांटेज है हाई ट्रांसमिशन कैपेसिटी, हाई ट्रांसमिशन कैपेसिटी। उसके बाद में लो ट्रांसमिशन लॉसेस, इसके अंदर लॉसेस कम होते हैं, लो ट्रांसमिशन लॉसेस। फिर तीसरा है हाई रिलायबिलिटी, उसके बाद में वेरी लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कम मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होती है, और नो इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के साथ इंटरफेरेंस नहीं होगा। ओके, तो एडवांटेज है। अब उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो डिसएडवांटेज क्या होगी, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ डिसएडवांटेज। सबसे पहला क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटर, ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटर। उसके बाद में जो SF6 गैस जो यूज़ होता है वो हार्मफुल होता है, किससे, हार्मफुल टू ओजोन लेयर, SF6 गैस इज हार्मफुल टू ओजोन, ओके। फिर उसके बाद में अर्थक्वेक को भी कंसीडर करना पड़ता है जब इंस्टॉलेशन करते हैं, जब डिज़ाइन करते हैं, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है, ओके। तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेज थे। तो ये होता है गैस इंसुलेटेड ट्रांसमिशन लाइन, जो बेसिक हमने आज पढ़ा है, जिसमें कंपोनेंट्स आ गए, बेसिक लेआउट आ गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज। उसके बाद में लास्ट है एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इंस्टॉलेशन इन टनल्स, इंस्टॉलेशन इन टनल्स,
उसके बाद में मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो है जहाँ पे, वो उसके लिए बहुत ही अच्छा सूटेबल है, सूटेबल फॉर मेट्रोपॉलिटन एरियाज जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है मेट्रोपॉलिटन एरियाज के अंदर। एंड लास्ट वन इज सूटेबल फॉर हाई पावर ट्रांसमिशन, सूटेबल फॉर हाई पावर। ओके, तो आज हमने गैस इंसुलेटेड ट्रांसमिशन लाइन के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, और ये चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी दीजिएगा।